अपने पास आ गई चार धाम की बुकिंग, अब निकलेंगे चार धाम करने के लिए। हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। गाइस मैं पहुंच गया इंद्रपुरम गाजियाबाद, 5 बजे पहुंचा हूं और घर से निकल गया था मैं 12 बजे। मंडे का दिन था, काम करने जाना नहीं था, काम करने का मन था नहीं, तो गाड़ी में कुछ कुछ कराना था क्योंकि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अपने पास आ गई है चार धाम यात्रा की बुकिंग मई में, और 25 अप्रैल से खुल रहे हैं केदारनाथ के कपाट और 27 अप्रैल से खुल रहे हैं बद्रीनाथ के कबाड़। तो पहले केदारनाथ बद्रीनाथ खुलेगा, इसके बाद गंगोत्री मनोत्री खुलेगा, कुछ ही दिन के बाद हो जाएगी चार धाम की यात्रा स्टार्ट। तो अपने पास चार धाम का काम आ चुका है, अभी दो धाम का ही आया है, चार धाम का भी आएगा। तो गाड़ी मैंने फिट करा ली, गाड़ी में सारा काम हो चुका है। आज मैंने टायर खुलवाया था, अलाइनमेंट कराया था, व्हील बैलेंसिंग कराई थी, तो गाड़ी एकदम फिट हो चुकी है। क्योंकि जब पहाड़ों पर गाड़ी 10 दिन रहेगी ना, तो गाड़ी में अंदर कोई कमी होनी नहीं चाहिए। और जब पहाड़ों पर कंटिन्यू 10 दिन गाड़ी चलेगी, तो क्या क्या गाड़ी में होना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए सेफ्टी के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने रख लिया गाड़ी में। क्या क्या रखना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त रहेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो ब्लॉग लास्ट तक देखना। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इंद्रपुरम गाजियाबाद से, गो। तो गाइस अब बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो राइडर है ना वो गाड़ी जो बुक कर रहे हैं तो वो किस तरह की गाड़ी बुक कर रहे हैं, या उन्हें जो गाड़ी बुक कर रहे हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी की गाड़ी बुक कर रहे हो तो रेट को लेके ना जाएं, कि अगर रेट कोई 10,000 मांग रहा है तो 8,000 में मिल रही है तो गाड़ी बुक कर ले। गाड़ी की कंडीशन पहले चेक करें, क्योंकि आपका मिनिमम 10 दिन का टूर रहेगा। 10 दिन के टूर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री मनोत्री के दर्शन इस तरह से करे जाते हैं डेट वाइज, पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते हो कि हमें इस दिन दर्शन करने हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर दर्शन लेट होंगे, तो हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दिन ही दर्शन आप कर पाओगे ना। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का चेक कर लो बढ़िया से, जो भी आप गाड़ी बुक कर रहे हो कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, किस तरह की गाड़ी है, और ड्राइवर कैसा है, ड्राइवर का एक्सपीरियंस है पहाड़ों पर चलाने का या नहीं है, वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपने अगर आप राइडर हो तो। अगर आप ड्राइवर भाई हो तो अगर आप पहाड़ों पे 10 दिन का टूर लेके जा रहे हो, केदारनाथ बद्रीनाथ या फिर चार धाम या दो धाम कहीं भी, तो अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपने। जैसे मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, मैंने इस बार हैवी तरह से चार धाम की यात्रा करनी है, और अपने राइडर को किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आने देनी। तो मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी का टायर मेंटेन कर लिया बढ़िया से, देखो टायर बिल्कुल नया पड़वाया है मैंने, बढ़िया टायर है एकदम, और कोई दिक्कत नहीं है। टायर मैंने चारों टायर खुलवाए थे, और खुलवा के इनका व्हील बैलेंसिंग हो गया और टायर अलाइनमेंट हो गया, सारा कुछ करा लिया, तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है। और इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, सारी चीज़ें चेक करा ली, कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने ये वाला टायर दिखाया आपको, अब देखो दूसरे टायर की बात करते हैं। देखो ये वाला टायर भी एकदम फिट है। अब ऐसा ना, ब्रिजस्टोन के टायर में क्या होता है, ब्रिजस्टोन के टायर में गुड्डी तो घिस जाती है लेकिन पंचर नहीं मारता, लेकिन कोई कोई ड्राइवर भाई इस चीज़ को लापरवाही कर देते हैं। इस चीज़ की लापरवाही करने का मतलब हो गया, अगर गुड्डी घिस गई है और टंचर नहीं मार रही तो सोचते हैं यार क्या पड़वाना, पंचर तो मार नहीं रही है, लेकिन वो आपकी लापरवाही आपके राइडर को हैवी प्रॉब्लम ले आएगी, है ना, प्रॉब्लम आएगी उन्हें। तो इसलिए ना गुड्डी नहीं हो तो वो टायर ना रखें, गुड्डी वाला ही टायर रखें पहाड़ों पर चलाने के लिए, कभी भी गाड़ी फिसल सकती है पहाड़ों पर, है ना, इस चीज़ का मैन ध्यान रखें। बाकी मैंने अपने चारों टायर करा लिए, देखो ये टायर हो गया, ये टायर भी एकदम फिट है, हैं, तो कहीं से लेके कहीं तक मेरे को टायर की तो कोई चिंता है ही नहीं। और गाड़ी का इंजन तो मेरा नया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी 2021 मॉडल है, गाड़ी 2021 से 22 से 18 से 15 से मतलब नहीं है, गाड़ी कितना भी मॉडल पुराना हो लेकिन अगर गाड़ी आपकी मेंटेन है ना, तो आपके राइडर को कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप पहाड़ों पर 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ रखो पहले से एडवांस, वो चीज़ मैंने क्या क्या रखी वो आपको बताता हूँ। गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ रखी है, देखो सबसे पहले ना, अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है, वो पहाड़ों पर जाती है ना गाड़ी, तो कहीं ना कहीं फंस जाती है, क्योंकि पत्थर होते हैं, कहीं रोड टूटी हुई होती है, तो सबसे पहले एक टूर चैन करने के लिए एक बेल्ट रख लो अपनी। आप देखते हो ये वाली बेल्ट ना ट्रकों में रखी जाती है अधिकतर सामान बांधने के लिए, तो मैंने वहीं से खरीदी है, मैं कहाँ से खरीदी वो भी आपको बता दूंगा, और आपको कहाँ से मिलेगी, ये ज्यादा महंगी नहीं आती, 400 रुपए की होती है, इसमें कुंडा भी होता है, तो मैंने कितने के लिए वो भी मैं बताता हूँ। ये मैं जब मथुरा जाते हैं ना हम लोग, तो होटल टोल पड़ता है, होटल टोल पे ना आप साइड में देखोगे तो बहुत सारे खोखे लगे हुए हैं, जहाँ पे ट्रक का सामान और ट्रक की एलईडी लाइट वगैरह सब बिकती हैं, तो मैंने वहीं से पता करा था, अभी मथुरा गया था ना अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, और वहीं से पता करा, वो 400 रुपए की बता रहे थे, तो मैंने कहा भाई कुंडा नहीं चाहिए मुझे, और मुझे तो ना अपनी गाड़ी में रखना है एडवांस में, अगर गाड़ी मेरी फंस जाती कहीं पे तो गाड़ी को खींचने के लिए या फिर किसी और की हेल्प करने के लिए इस तरह से ना, तो चाहिए मुझे। तो मैंने कहा बोले कितने तक की चाहिए, मैंने कहा 250 रुपए की ले लूंगा, तो उन्होंने 250 रुपए की दे दी मुझे, क्योंकि उसका जो कुंडा होता ना ऐसे दवा दवा के टाइट करते हैं, तो वो मेरे काम के नहीं था, तो उन्होंने वापस ले लिया, और ये 250 रुपए की थी, और इतनी मजबूत होती है ना ये ट्रक भी खींच सकते हो इससे, ये वो नहीं है खटिया बुनने वाली, वो नहीं है, ये ट्रक में आप देखते हो ना वो है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये चीज तो रखो, कभी कभी गाड़ी आपकी खराब हो जाती है, किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, तो टू चैन करने में ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती है ना, तो ये रखो अपने पास, ये तो मैंने ये लिए 250 रुपए की ली है, तो हर ड्राइवर भाई को ये रखनी चाहिए जो लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, जो छोटी मोटी ट्रिप भी करते हैं ना लोकल पे चलाते हैं, ये चीज तो रखने की चीज है। कभी कभी ना आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो रस्सी ढूंढते हो, क्रेने मंगाते हो, तो नहीं मंगाने की जरूरत है, आप ये रखो और किसी भी गाड़ी वाले से हेल्प ले लो, थोड़ी बहुत दूर टू चैन करके ले जा सकते हो अपनी गाड़ी। तो ये चीज सबसे मेन लगी मुझे, और महंगी भी नहीं है, तो ये चीज रखो अपनी गाड़ी में। और मैं ना अपने एक साथ एक बैग कैरी करता हूँ,
ये बैग है, मेरे कपड़े वपड़े नहीं रखता हूँ इसमें, ये टेम्परेरी है, इसमें सारा छोटा छोटा सामान रहता है। जैसे कि ना मैं अपने साथ एक प्लास जरूर रखता हूँ। आप देखते हो ना कहीं कहीं गाड़ी खराब होने पे ड्राइवर भाई मांगते हैं भाई प्लास है, तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई प्लास की जरूरत पड़ती है, कहीं पे कोई टायर में पेंच लग गया या कहीं पे कोई प्लास की जरूरत पड़ी, तो प्लास तो होना चाहिए। गाड़ी जैसी चीज है और आप टैक्सी चला रहे हो तो प्लास तो होना चाहिए। तो मैंने प्लास ले रखा है, प्लास 150 रुपए का आता, कोई महंगा नहीं आता। प्लास के साथ साथ मैं एक चीज और रखता हूँ, वो है पेचकस। ये दोनों तरफ वाला रखता हूँ मैं, बढ़िया पेचकस है, 70-80 रुपए का लिया था मैंने चोर बाजार से दिल्ली से। तो ये पेचकस मैं साथ रखता हूँ। पेचकस हो गया, प्लास हो गया और गाड़ी चीज में ये चीज सबसे मेन है। एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपके लिए, बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है ना, मैं गाड़ी में अधिकतर रहता हूँ तो गाड़ी में पंखा चला के सो जाता हूँ, तो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी पहले। अभी तो मैंने बैटरी नहीं पड़वा दी, 4-5 महीने हो गए तो अब प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मैं ये चीज को बहुत कैरी करता हूँ। ये है लीड, ये 300-350-400 रुपए की बन जाती है। अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती है तब भी आपको रखनी चाहिए। कभी कभी ना आपको किसी की हेल्प भी करनी पड़ती तो आप हेल्प भी कर सकते हो और फिर ये अपने काम में भी आ जाती है। तो केवल 400 रुपए में तैयार हो जाती। मैंने 300-350 का तार खरीदा था, 50-60 रुपए की चिमटी खरीदी थी, तो अपने हाथ से प्लास से दबा के बना ली, तो 400-450 में बन जाएगी। अगर आप हैवी लोगे ना, ये गर्म पड़ जाती है फिलहाल, अगर ज्यादा देर तक सेल्फ मारो, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो। लेकिन अगर आप इससे भी हैवी लोगे तो 600-700 रुपए की बन जाएगी। अगर आप ये चीज ऐसे बनाना नहीं चाहते तो अमेजोन पे मिल जाती है, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर आप हाथ से बनाओ किसी भी तार की दुकान से लेके, और ये तार लेके और चिमटी लेके अपने हाथ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हाथ से बना ली थी हल्के तार की, लेकिन मैंने अभी तक काम फंसा नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कभी कि किसी की गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देर तक सेल्फ ले रहे हैं, तो ये तार गर्म पड़ जाता है। तो मेरी आपसे यही रहेगा कि आप मोटा, इससे भी मोटा तार लें। ये जितना मोटा तार है ना, देखो इससे भी मोटा तार लें। फिलहाल मुझे ये नहीं पता ये कितने एमएम का है, लेकिन आप देख लो इससे भी मोटा तार लो आप, जैसे कि आपका गर्म नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी बड़ी गाड़ी में भी आप कभी लगा रहे हो ना, स्टार्ट कर रहे हो लीड लगा के, गर्म नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ये हो गया, लीड हो गया, चार्ज जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से, और पहाड़ों पे ठंडा मौसम होता है तो कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है। तो ये चीज तो मैन है, देखो ये रख लो, आपको कुछ नहीं जाएगा, ये रख लो, क्योंकि ये सामान रखने से आपको राइडर को कभी कोई शिकायत नहीं, दिक्कत नहीं आएगी और आपकी कंप्लेंट नहीं होगी, और फिलहाल आपको भी कभी कभी दिक्कत आ जाती होगी, है ना। तो ये चीज रखो एक, और एक पेचकस रखो, और एक प्लास रखो, और एक ये बेल्ट तो रखनी चाहिए। ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ये रखो आप, और बाकी अगर आप भी कोई एक्स्ट्रा रख सकते हो तो रख लो, है ना। बाकी और क्या हो गया, और हाँ, जब आप पहाड़ों पे जा रहे हो ना, तो पहाड़ों पे जा रहे हो और तो वैसे ऐसे कुछ नहीं है, मेरी सारी छोटे मेडिसिन वगैरह है, जैसे कि छोटे छोटे कुछ ना कुछ मैं दवाइयां रखता हूँ। जैसे हमें बुखार की दवाई हो गई, या सिर दर्द की हो गई, या कॉम्बली फ्लेम हो गई, जो भी आप दवाइयां ज्यादा खाते हो, जैसे बुखार आने पे या सिर दर्द होने पे, तो दवाइयां सारी तरह की अपनी गाड़ी में रखो। मेरे गाड़ी में रहती है, कभी सिर दर्द होता है, ये कॉम्बली फ्लेम है, ये गैस की दवाई है, गैस के कैप्सूल है, तो इस तरह की दवाइयां अपने साथ जरूर रखो गाड़ी में, टैक्सी लाइन में। अगर आप कहीं जा रहे हो ना, देखो आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता है, तो आपको कोई नहीं कहेगा, आपके पापा नहीं कहेंगे, आपकी मम्मी नहीं कहेंगे बेटा दवाई खा लो, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। क्योंकि आप स्वस्थ हो तो आपके राइडर को बढ़िया सर्विस मिलेगी, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आपने लापरवाही दिखा दी अपनी हेल्थ को लेके, तो आपके राइडर को प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अपनी वजह से अपने राइडर को कोई भी प्रॉब्लम ना आने दें, और उनका टूर ना सालों में बनता है, कि हम अगले साल को केदारनाथ जाएंगे, या 4 महीने पहले से प्लान करते हैं राइडर कि हम इस तारीख को वहां जा रहे हैं, और वो ड्राइवर की वजह से उनका टूर अगर खराब होता है तो ये बहुत गलत बात है। तो ड्राइवर भाई अपने स्वास्थ्य का और अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, और अपनी गाड़ी का भी, है ना। तो गाड़ी को मेंटेन करके रखें। फिलहाल मैं दवाइयां वगैरह सारी रखता हूँ अपनी गाड़ी में, और ये आज से नहीं रखता हूँ, ये दवाइयां तो पहले से रखता हूँ, और ये चीजें मैंने अभी खरीदी हैं चार धाम जाने के लिए, क्योंकि ये चीजों की कभी भी दिक्कत आ सकती है, भगवान करे ना आए, लेकिन आ जाए तो फिर रखनी चाहिए, है ना। तो मैंने दवाइयां रख ली, ये रख लिया सारा, और चार धाम की तैयारी में लगा हुआ हूँ, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप एक्स्ट्रा भी कुछ रख सकते हो, लेकिन हाँ, अब राइडर से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चारधाम 10,000, 20,000, 50,000 में जा रहा हूँ, एक मोटा अमाउंट लेता हूँ, 10,000 में जा रहा हूँ चारधाम, मेरा रेट 10,000 है। जैसे मैं कोई भी रेट देता हूँ मेरा फिक्स रहता है, क्योंकि मैं कम बढ़ करने वाला नहीं होता हूँ, ना किसी का फोन आने के बाद कम करता हूँ, क्योंकि मेरे जो रेट होते हैं वो एकदम रीजनेबल होते हैं। तो मैंने बता दिया तो इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं किसी ने फोन करवा दिया तो वहां से कम हो जाएगा। मेरे राइडर मेरे लिए सभी, मैं सभी को रिस्पेक्ट देता हूँ और सभी को जेन्युइन रेट देता हूँ, तो किसी के फोन आने से किसी से कम नहीं हो पाते मेरे रेट। और एक चीज और, अब आप, मैंने 10,000 बताया आपको कहीं भी टूर के, और आपको कोई गाड़ी 8,000 में मिल रही है, 2,000 कम में, तो पहले 2,000 कम में जो चीज मिल क्यों रही है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, ये पानी की बोतल जब ऑलरेडी 50 रुपए की है, अगर कहीं 40 की मिल रही है तो क्यों मिल रही है, रीजन क्या है। अब आपने फटाफट अरे भाई वहां 50 की दे रहे हो आप, यहाँ पे वहां 40 की मिल रही, जाके खरीद ली पी ली, लेकिन ये पानी की बोतल पैक करी भी हो सकती है। ये देखो फोन मेरे बहुत आते हैं, हाँ चलो कोई नहीं, बात करूंगा। अब ये पानी की बोतल 40 की दे रहा, हो सकता है ये सील पैक बाहर से कराई हो, ओरिजिनल ना हो, समझ रहे मेरा कहने का मतलब। अगर मैं 10,000 मांग रहा हूँ तो ऐसा मत सोचो कि मेरे रेट ज्यादा है, जो कम मांग रहा है हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी हो, एक्सपीरियंस ना हो, रेट बताने का, घुमाने का, या घूमने का, गाड़ी चलाने का, कुछ भी हो सकता है, या फिर उसकी कोई कमी हो, वो रेट अपने कम करके दे क्यों रहा है आपको।
इस चीज का ध्यान रखें। और ड्राइवर भाई अगर काम कर सकते हो तभी एक्सेप्ट करना बुकिंग, और रेट कम या बढ़ा के मत लेना किसी से। जे नहीं मुझे काम नहीं मिल रहा है तो भाई रेट कम करके ले लूं, या आपके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है तो आप रेट बढ़ा के लो, रेट अपने जेन्युइन है वही रखो बस, है ना। तो आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आज मैंने अपनी गाड़ी को फुल बढ़िया से चेकअप कराया और काम करने का मन था नहीं, क्योंकि मंडे का दिन था अपना फास्ट आज। तो अभी मैं इंद्रपुर मार्केट टाइम पास के लिए और वीडियो बनाने के लिए आ गया था, और मैं इधर बमूरा साइड में गया था ना अपनी गाड़ी चेक कराने, 16 भी गया था, 16 की मार्केट भी आज गया था। मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा लेकिन गाड़ी बढ़िया से चेक करा ली। और चार धाम की यात्रा मैं आपको बता दूं ना, 3 मई से 8 मई तक मैं जा रहा हूँ चार धाम में। सॉरी यार क्या चार धाम आ जाता है, सॉरी मैं 3 मई से और 8 मई तक जा रहा हूँ 2 धाम की यात्रा लेके। और 9-10 मई को मेरे कुछ राइडर दुबई से आ रहे हैं, उन्हें घुमाना है। वो कहाँ कहाँ घुमाऊंगा वो सब बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा सारी बातें क्या ना किसी को प्राइवेसी को लेके। तो हमारे राइडर 9 तारीख को आ रहे हैं, 10 तारीख को उन्हें घुमाना है, 11-12 तारीख में और बुकिंग डन होने वाली है। तो अपने पास मई में फुल काम है, बिल्कुल भी फुल है, क्योंकि चार धाम में चलेंगे लगातार, तो 10-10 दिन का टूर रहेगा अपने पास, और अपने को गाड़ी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और तो हमें जो प्रीमियम ड्राइवर हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं और हमारे काम करने का तरीकों को देखते हैं, तो उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी कोई भी हमें मिला भैया हमें काम दे दिया करो, ऐसे नहीं देना है। पहले आपको सीखना है कि विक्की किस तरह से अपने राइडर को सर्विस प्रोवाइड करता है या करते हैं, तो वो उसी तरह से अगर आप करोगे तो हम आपको काम देंगे। हमारे राइडर के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी, किसी भी तरह का स्कैम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हम अपने राइडर की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, अगर ऐसे आप दे सकते हो तो हमसे जुड़ सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा गाड़ी की डिमांड आएगी तब हम आपकी गाड़ी भेजेंगे, वरना सीधे हाथ जोड़ के मना कर देंगे राइडर से कि हमारे पास और गाड़ी नहीं है, अगर है तो दे देंगे। तो अगर सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देख के अगर ड्राइवर पार्टनर हो तो आपको काम सीखना है। काम करने के बहुत तरीके ऐसे, यहां से पिकअप करा वहां ले जाके छोड़ दिया, लेकिन कस्टमर को एंटरटेन करना, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, कस्टमर को आपके साथ घूम के कंफर्टेबल फील हो, अपनापन फील हो, तो इस तरह से काम करने का अच्छा तरीका, सही तरीका होता है। लेकिन काम तो मैं 2016 से कर रहा हूँ, लेकिन काम करना अच्छे से सीखा हूँ 2018-19 से। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, किसी को ड्रॉप करा कोई मतलब नहीं कौन है कहाँ से आ रहा है, लेकिन आज मैं अच्छे से सर्विस करता हूँ, अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, तो कई लोगों के दिलों पे राज करता हूँ। वो गाड़ी अपना टूर प्लान मुझसे पूछ के बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर वो 18 तारीख को कहीं जा रहे हैं घूमने और 18 तारीख को मेरी गाड़ी बिजी है, तो वो कहेंगे विक्की आप ही के साथ जाना है, लेकिन 19 तारीख को चल लेंगे हम, 19 को फ्री हो आप, तो कहते हैं ठीक है डन विक्की 19 तारीख को हम आपके साथ चलेंगे बस। तो अपना टूर ऐसे राइडर हटाने वाले, उनको बढ़िया सर्विस मिलती तभी वो हटाते हैं ना। तो अगर आप ड्राइवर पार्टनर तो अपनी सर्विस को और इंक्रीज करो, बढ़िया करो, अच्छी सर्विस दो, तो आपकी भी डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरी कंटिन्यू 40-50-60 वीडियो देखो बढ़िया करके, जिस तरह की मैं सर्विस देता हूँ उस तरह की सर्विस दोगे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन बुकिंग के लिए कोई भी फोन मत करना, ठीक है। बुकिंग हम किसी को ऐसे नहीं दे पाएंगे, हमारे 3 ठिया हैं, इंदिरापुरम रहते हैं, तिकोना पार्क के आसपास में हमारी गाड़ी खड़ी मिलेगी। या कॉल मत करना कि कहां पर हो, है लेटेस्ट वीडियो देखो और इंदिरापुरम तिकोना पार्क के आसपास, पहाड़गंज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड सर्विस लाइन में, या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल 2, 3 या 1, मतलब एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं मिल सकते हैं 3 जगह के अलावा। अगर दिल्ली एनसीआर में है तो, और दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो फिर हम बाहर रहेंगे, है ना। क्योंकि कॉल करके ना पता करें कि आप इंदिरापुरम हो या दिल्ली हो या कहाँ हो, उस टाइम पे हम गाड़ी चलाते हुए तो राइडर के साथ बात करना पॉसिबल नहीं होता है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना भी सही नहीं होता है। तो आप लेटेस्ट वीडियो देखो, आज की वीडियो में हम बता देंगे कल कहाँ जाएंगे, तो कल हम कल कहीं नहीं जा रहे, कल भी लोकल में काम करेंगे, है ना। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो आप, तो आपको अगले की जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अगर काम हमारे साथ करना है तो आपको वीडियो लगातार देखनी है, और हमारी तरह अगर सर्विस दोगे तभी काम देंगे, काम के लिए फोन ना करें प्लीज। और हाँ, अगर आपका भी कोई टूर बन रहा है, आगरा मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश शिमला मनाली नैनीताल जयपुर जोधपुर अजमेर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री नैनीताल, कहीं का भी टूर बन रहा है, मसूरी भी जाना चाहते हो ना आप, पहाड़ों की रानी, तो वहां भी हम आपको घुमाने ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, हमारी कैब बुक करना बहुत ही ईजी है। हमारे नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना हेलो का, हमारी तरफ से एक ऑटो मैसेज आपको रिसीव होगा व्हाट्सअप पे ही, उसमें लिखा होगा कि आपका नाम क्या है, जाना कहाँ है, कितने दिन के लिए जाना है, आर्टिका चाहिए, डिजायर चाहिए, एक्सेंट चाहिए, या फिर हैचबैक गाड़ी चाहिए, वैगनार कौन सी गाड़ी चाहिए, वो आपको लिख को दे दोगे। हम आपके टूर प्लान के हिसाब से आपको अपना कोटेशन एस्टीमेट भेज देंगे, अगर हमारा एस्टीमेट ठीक लगे तो आप हमारी गाड़ी बुक कर सकते हो ओनली 10% देके, है ना। अगर 10% आपने दे दिया तो आपकी गाड़ी उसी दिन के लिए होल्ड हो जाएगी। जब आप गाड़ी बुक करोगे तो हम आपको कन्फर्म करा देंगे कि हम आएंगे या फिर कोई और आएगा।
अगर आप जिस डेट में गाड़ी बुक कर रहे हो हमारी गाड़ी फ्री हुई तो हमारी गाड़ी आएगी, हम उसी टाइम पे कंफर्म कर देंगे। अगर हमारी गाड़ी उस टाइम पे बिजी होगी उस डेट में तो हम दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। आपके हाँ करने के बाद ही बुकिंग कंफर्म करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसके लिए माफी चाहते हैं। मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो कल कहाँ काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सब बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं एंड। अब जाएंगे घर, व्रत खोलेंगे, 6 बज चुके हैं और फिर कल निकलेंगे काम करने के लिए। तो बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।